उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जनूबी ओंटेरियो में शदीद बर्फबारी का इम्कान, एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से खुसूसी ट्रैवल एडवाइजरी जारी। सूबे के चंद हिस्सों में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान। कैनेडियन वजीर आजम और चीनी सदर की मुलाकात, वजीर आजम ऑफिस का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने अहम मामलात पर गुफ्तगू की। ट्रूडो ने अमेरिका पर रूस के बायोलैब के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पोलैंड और यूक्रेन की सरहद पर रूसी मिसाइल हमला, कैनेडियन हुकाम तशवीश में मुब्तला। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पोलैंड पर नामालूम मकाम से मिसाइल हमले में हलाकतें, जिम्मेदार के तायुन में आलमी कयादत तकसीम। अमरीका ने रूस को क्लीन चिट दे दी। रूस ने यूक्रेन पर 80 से जायद मिसाइल दाग दिए, एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। साबिक अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में वापसी का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फैसला अमरीका के रोशन मुस्तकबिल की खातिर किया है। एवांका ट्रंप का कहना है कि वालिद की इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं बनूंगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल, जस्ट टॉस एन इकोफ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इकोफ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से ग्रेटर टोरंटो एरिया समेत जनूबी ओंटेरियो के बेशतर इलाकों के लिए मौसमी सरमा की पहली सफरी एडवाइजरी जारी की गई है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से ग्रेटर टोरंटो एरिया समेत जनूबी ओंटेरियो के बेशतर इलाकों के लिए मौसमी सरमा की पहली सफरी एडवाइजरी जारी की है। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि शहर में 5 से 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने की तवक्को है, जो हद निगाह कम होने का सबब भी बन सकती है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि कुछ इलाकों में बर्फबारी की मकदार 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। मुतासर इलाके वाटर लो रीजन के मशरक से नैपिनी तक और शुमाल में बैरी और पीटरब्रो तक फैले हुए हैं। एनवायरमेंट कनाडा उन इलाकों के रहायशियों पर जोर दे रहा है कि वो पैदल या ड्राइविंग करते वक्त इजाफी एहतियात करें। टोरंटो में शहरी इंतजामिया ने एक्सप्रेस वेज पर नमक का छिड़काव करना शुरू कर दिया है और जब बर्फ जमा होना शुरू हो जाएगी तो शहर की सड़कों पर नमक के ट्रक भेजे जाएंगे। हुकाम का कहना है कि ड्राइवरों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो आहिस्ता सफर करें, आगे टेल लाइट देखें और दूसरी कारों से महफूज फासला बरकरार रखें। G20 इजलास के मौके पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुलाकात की। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। G20 इजलास के मौके पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुलाकात की है। इंडोनेशिया के शहर बाली में मुनक़िदा G20 सरबराही इजलास के मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू में दोनों रहनुमा तजारत और दो कैनेडियंस की गिरफ्तारी और नजरबंदी के मामले पर इख्तलाफात का शिकार हैं। ट्रूडो ने मीडिया रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया कि चीन ने 2019 के विफाकी इंतखाबात में खुफिया तौर पर 11 उम्मीदवारों को फंड फराहम किया। मुलाकात के मौके पर वजीर आजम के दफ्तर की तरफ से जारी की गई तस्वीर में दोनों रहनुमाओं को एक पुरहजूम कमरे में गैर रस्मी बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। ट्रूडो की जी के साथ बातचीत कोई बाज़ाब्ता दो तरफा मुलाकात नहीं थी, जैसा कि जी ने अमरीकी सदर जो बाइडन, अर्जेंटाइन के सदर अल्बर्टो एंजल फर्नाइडेंस और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रॉन समेत दीगर रहनुमाओं के साथ किया था। PMO की तरफ से जारी होने वाले साइड डिस्कशन की एक रीड आउट में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन पर रूस के हमले और जनूबी कोरिया के खिलाफ शुमाली कोरिया की मुसलसल जारियत पर भी तबादला ख्याल किया। PMO का कहना है कि ट्रूडो ने मॉन्ट्रियल में आइंदा COP15 सरबराही इजलास की अहमियत और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में चीन के किरदार पर भी जी पर दबाव डाला। रीड आउट में ये नहीं बताया गया कि शी जिनपिंग ने उन मसाइल में से किसी पर क्या रद्द अमल जाहिर किया, सिर्फ ये कि दोनों रहनुमाओं ने
मुसलसल बातचीत की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा मिलानी जुली ने भी सरबराही इजलास में अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। PMO ने ट्रूडो की जानिब से यूक्रेन का मसला उठाने पर शी के रद्द अमल की तफसील नहीं दी, लेकिन माहरीन के मुताबिक ऐसे इशारे मौजूद हैं कि शी यूक्रेन के बारे में बात करना चाहते हैं और वो कशीदगी की हिमायत नहीं करते। दरी असना वजीर आजम के दफ्तर का कहना है कि ट्रूडो को मंगल को बंद दरवाजे के G20 हेल्थ फोरम में मदाखलत करना पड़ी, जब रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने यह दावा किया कि अमरीकी बायोलैब यूक्रेन में मजमूम सरगर्मियां कर रहे हैं। ट्रूडो के दफ्तर का कहना है कि उन्होंने अपने साथियों को बताया कि ये दावे मुकम्मल रद्दी की टोकरी हैं और रहनुमाओं को हकायक के साथ काम करना चाहिए। पोलैंड और यूक्रेन की सरहद पर मुबैना रूसी मिसाइल हमले ने कैनेडियन हुकाम को भी तश्वीश में मुब्तला कर दिया है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पोलैंड और यूक्रेन की सरहद पर मुबैना रूसी मिसाइल हमले ने कैनेडियन हुकाम को भी तश्वीश में मुब्तला कर दिया। वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि वो पोलैंड के हुकाम से इन इत्तलात पर रबते में है कि रूसी मिसाइल नेटो इत्तेहादी पर लगने से दो अफराद हलाक हो गए। जब वो सवालिया वक्फे के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में दाखिल हुई तो आनंद ने सिर्फ इतना ही बताया कि कनाडा इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। वफाकी हुकूमत इन रिपोर्ट्स की बहुत करीब से निगरानी कर रही है, जिसमें बताया गया है कि रूसी मिसाइल नेटो के रुकन पोलैंड में दाखिल हुए हैं। आनंद का कहना था कि मेरे लिए इस मकाम पर इन पर तबसरा करना नामुनासिब होगा। मैं अपने पोलैंड के इत्तेहादियों के साथ करीबी रबते में हूँ और हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, जो कि G20 सरबराह इजलास में भी शरीक हैं, ने कहा कि उन्हें ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिसाइल एक बड़े बैराज के दौरान पोलैंड के इलाके में दाखिल हुए, जिसने यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाया और मालडोवा के बेशतर हिस्से में बिजली काट दी। इस रिपोर्ट को अमरीकी इंटेलिजेंस के एक सीनियर अहलकार से मंसूब किया गया है, जिसने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की। पोलैंड की हुकूमत ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि रूसी मिसाइल नेटो के इलाके में मारे गए हैं, लेकिन एक तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के आला रहनुमा बहरान की सूरत हाल की वजह से हंगामी इजलास कर रहे हैं। इन रिपोर्टों से ये खदशा बढ़ रहा है कि यूक्रेन में जारी जंग मशरकी यूरोप तक फैल जाएगी और रूस और नेटो के फौजी इत्तेहाद के दरमियान वसीतर तनाजे को जन्म देगी। रूस और यूक्रेन के करीबी मुल्क पोलैंड के एक सरहदी इलाके में नामालूम मकाम से मिसाइल गिरा, जिसमें दो अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के करीबी मुल्क पोलैंड के एक सरहदी इलाके में नामालूम मकाम से मिसाइल गिरा, जिसमें दो अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बैरुल अक्वामी खबर रसा इदारे के मुताबिक पोलैंड में मिसाइल हमले से आलमी सतह पर भी खलबली मच गई। 70 लाख घर बिजली से महरूम हो गए, जबकि दो अफराद हलाक हो गए। पोलैंड ने हमले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी सरजमीन पर गिरने वाला मिसाइल रूसी साख्ता है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक और जर्मन चांसलर समेत कई आलमी रहनुमाओं ने G20 इजलास के दौरान पोलैंड पर हमले का जिम्मेदार रूस को ठहराते हुए कड़ी तनकीद की है। दूसरी जानिब रूस ने हमले से लातालुकी का इजहार करते हुए कहा कि पोलैंड पर हमला रूस को नेटो से लड़वाने की साजिश है। रूस ने उस दिन यूक्रेन पर जो भी हमले किए वो पोलैंड की सरहद से 35 किलोमीटर दूर थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ये तकरीबन नामुमकिन लगता है कि मिसाइल हमला रूस ने किया हो। रूसी सदर प्यूतिन ऐसी फाश गलती कभी नहीं करेंगे। उधर यूक्रेन की जानिब से इस हमले पर ताहाल कोई तबसरा सामने नहीं आया। चूंकि रूस और यूक्रेन जंग जारी है, इसलिए खदशा है कि ये मिसाइल उन्हीं दो ममालिक से पोलैंड पर फायर हुआ। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चंद आला अमरीकी हुकाम ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि ये मिसाइल यूक्रेन फौज ने रूसी मिसाइल को फिजा में ही तबाह करने के लिए दागा था, ताहम हदफ को लगने के बजाय मिसाइल पोलैंड में जा गिरा। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि यूक्रेन मुज़ाकरात नहीं चाहता, इसलिए इसके खिलाफ खसूसी फौजी ऑपरेशन जारी रखते हुए अपने मकासद हासिल किए जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदारती तर्जुमान देमतरी पेस्कॉफ ने कहा कि रूस यूक्रेन में खसूसी ऑपरेशन जारी रखते हुए अपने मकासद हासिल करेगा, क्योंकि कीव मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 80 से ज़ायद मिसाइल यूक्रेन पर दागे हैं। रूसी मिसाइल हमलों के बायस एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। मिसाइल हमलों से यूक्रेन के ज्यादातर इलाके बिजली से महरूम हो गए। बिजली के निज़ाम की बहाली के लिए कोशिशें शुरू कर दी गईं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान करते हुए कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में हामियों से खिताब करते हुए साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। इस मौके पर सदर बाइडन ने तबसरा किया कि ट्रंप ने अमरीका को नाकाम बनाया और उन्होंने वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स के ऐवान नुमाइंदगान के कंट्रोल संभालने का भी इम्कान जाहिर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐवान में 216 नशस्तें हासिल कर ली और सिर्फ 2 सीटें दरकार हैं, जबकि डेमोक्रेट की 205 नशस्तें और 14 नशस्तों के नतायज आना बाकी हैं। बाद अजां सेनेट का कंट्रोल जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट हासिल कर चुकी है। दूसरी जानिब एक बयान में इवानका ट्रंप ने कहा कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, मैं अपने वालिद से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब मैं निजी जिंदगी को तरजीह देने का इंतखाब कर रही हूँ। इवानका ट्रंप का कहना है कि सियासी मैदान से बाहर रहकर मैं हमेशा अपने वालिद से मोहब्बत और उनकी हिमायत करूँगी। उन्होंने कहा कि अमरीकी आवाम की खिदमत करने का मौका मिलने पर मेरे लिए एजाज की बात है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।